हेलो गाइस, तो बॉलीवुड की ऐसी फिल्में जिसमें कॉमेडी हो, एक्शन हो और साथ ही साथ जो है एक अच्छी स्टोरी हो और उसके साथ साथ जो है रजनीकांत जैसा जो है एक्टर हो, तो उस फिल्म का जो है हिट होना बिल्कुल तय ही माना जाता है। और शायद यही कारण है कि जो है गदर 2 और OMG 2 को ये मूवी जो है टक्कर देने वाली है। जी हाँ गाइस, क्योंकि जो है इसमें एक्शन भी मिल जा रहा है, स्टोरी काफ़ी बढ़िया है और साथ ही साथ जो है ज़बरदस्त कॉमेडी है जो लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरटेन कर रही है, लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा अपने ओर आकर्षित कर रही है। तो गाइस जो है बात करेंगे इस मूवी की कहानी के बारे में, कैसी कहानी होने वाली है। तो गाइस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस जो है इस फिल्म की जो कहानी होने वाली है, इसमें जो है आपको जो है रजनीकांत एज अ आप जेलर उन्हें नहीं देख सकते, थोड़ा देर के लिए आप बैक स्टोरी में जाएंगे तो उनको जेलर दिखाया गया है और इसमें जो है ज़्यादातर जो है उन्हें एक पिता के रूप में जो है दिखाया गया है, पिता के रूप में जो है उनको जो है दर्शाया गया है इस मूवी में। और गाय जो है उनके बेटे जो कि एक सब जेलर होते हैं वो अचानक एक दिन कहीं गायब हो जाते हैं और गायब होने के बाद जो है रजनीकांत उसके बाद जो है अपने बेटे की खोज में जो है बहुत सारे जो है जुगाड़ लगाते हैं। तो कहानी जो है पूरी जो है इसी पर जो है बेस्ड है और यही इसी पर जो है पूरी कहानी जो है लास्ट तक जो है चलती रहती है। तो गाय जो है कहानी बिल्कुल जो है क्लियर है। उसके बाद जो है गाइस जो है यहाँ पर जो है बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट आप लोग को देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जो है इस मूवी की जो फर्स्ट हाफ है वो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करेगी कॉमेडी से, रजनीकांत की जो कॉमेडी है उससे। उसके बाद बात करें सेकेंड हाफ की, तो सेकेंड हाफ में आप जो है थोड़ी सी मूवी जो है अपने डायरेक्शन से यानी कि जो चीज़ लोगों को देना चाहती है उससे थोड़े देर के लिए जो भटक जाती है। उसके बाद फिर से जो है अपने तय जो है कहानी की जो कहानी है उस पर फिर से पर लौट आती है। और सेकेंड हाफ में जो है आपको काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिलेगा, उसके साथ जो ब्रूचुअली जो है इसमें एक्शन आप देख सकते हैं। ये बात तय है कि जो है इसमें अगर ये इस फिल्म को जो है US सर्टिफिकेट तो ज़रूर मिला हुआ है, लेकिन जो है बच्चे इसको देखने के लिए बच्चे अगर देखने जाते हैं तो पेरेंटल गाइडलाइंस की उन्हें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और ना क्योंकि जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रूचुअली जो है एक्शन दिखाया गया है, गले को जो है धड़ से जो है अलग कर दिया गया है, तो इस तरह की जो है काफ़ी वर्चुअली सीन है। तो कुल मिलाकर जो है इस फिल्म की बात कर तो फिल्म की स्टोरी अच्छी है और साथ ही साथ जो है इसमें आपको जो है केमियो में जो है जैकी श्रॉफ और मोहनलाल सर जो है नज़र आएंगे जो कि फिल्म में जो है काफ़ी ज़बरदस्त जो है थोड़े देर के लिए आए हैं, लेकिन जो है काफ़ी कमाल का जो है उन्होंने जो है इस फिल्म को और अच्छा करने का प्रयास किया है, ठीक है। उसके साथ साथ जो है तमन्ना भी जो है इसमें आपको केमियो रोल में नज़र आएंगी, हालांकि जो है उनकी जो है खास इसमें जो है कुछ है नहीं उनका, ठीक है। तो कुल मिलाकर बताया इस फिल्म को तो फिल्म जो है अच्छी है, आप देख सकते हैं, पैसा वसूल मूवी ज़रूर है। हालांकि जो है इसको नॉर्थ में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी कम स्क्रीन मिला हुआ है हिंदी में, हालांकि जो है बहुत से जगह पे जो है ये मूवी जो है रिलीज हुई है लेकिन वहाँ पे जो है हिंदी सब टाइटल्स के साथ रिलीज किया गया है, न कि जो है हिंदी डब वर्जन में, ठीक है। उसके बाद जो है क्योंकि जो है अभी जो है आने वाला है जो है गदर 2 और साथ में जो है OMG 2, शायद यही कारण होगा कि जो है ज़्यादातर जो है स्क्रीन इसको नॉर्थ में नहीं मिला है। तो गाइस जो है देखते हैं आगे की जो है क्या गदर 2 और OMG 2 को टक्कर दे पाती है या फिर जो है ये आउट हो जाएगी। फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।